नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी सरकार ने दिया भूकंप से बड़ा झटका, कहा लालू यादव ने। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई भारी वृद्धि का देश भर में विरोध हो रहा है। लालू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भूकंप से भी बड़ा झटका दिया है। लालू ने ट्वीट कर कहा कि भूकंप से भी ज्यादा झटका दिया मोदी सरकार ने, पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी, नसीब कहाँ गया तेल लेने। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, क्या इस अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि का असर कम करने के लिए अरुण जेटली एक्साइज ड्यूटी घटाएंगे, अच्छे दिन आ गए। दवाई पर रामदेव की सफाई, कहा मेरे पास लाइसेंस है। दिव्य पुत्र जीवक बटी पर मचे हंगामे के बीच योग गुरु स्वामी रामदेव ने सफाई देते हुए कहा कि दवाई वैध तरीके से बेची जा रही है। इसका संबंध संतान पैदा करने से है, न कि बेटे या बेटी से। बाबा ने कहा कि उनके पास दवा को बेचने का लाइसेंस है। मेरे जरिए मोदी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि वे अपनी दवा का नाम नहीं बदलेंगे। उल्लेखनीय है कि रामदेव की इस औषधि पर गुरुवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस मुद्दे को जदयू के सदस्य केसी त्यागी ने उठाया और जांच की मांग की थी। मोदी व्यक्ति नहीं ईश्वरीय शक्ति हैं, साक्षी महाराज ने कहा। विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने भगवान कृष्ण से मोदी की तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी उसी तरह मोदी जी ने नेपाल को संभालने का काम किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मोदी कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि ईश्वरीय शक्ति है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें नहीं पता कि वह प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं। दरअसल राहुल पगला गए हैं। तेलुगु अभिनेत्री ने छेड़छाड़ करने वालों की तस्वीर फेसबुक पर डाली। हैदराबाद पुलिस ने तेलुगु अभिनेत्री अश्मिता खारनानी से कथित छेड़छाड़ के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री ने दोनों आरोपियों की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की थी। इसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। उनके साथ यह घटना उस समय हुई जब वे गाड़ी चला रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की और अश्लील इशारे किए। इस पोस्ट में उन्होंने हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस को भी टैग किया। हैदराबाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और शी टीम की मदद से उन्हें पकड़ लिया। फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी को हार्ट अटैक। बेल्जियम के फुटबॉलर ग्रेगरी मर्टेंस का खेल के दौरान दिल का दौरा पड़ने के तीसरे दिन गुरुवार को यहां स्थानीय अस्पताल में निधन हो गया। लोगरेन की तरफ से स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतरे 24 वर्षीय डिफेंडर मर्टेंस सोमवार को जेंक के खिलाफ मैच के दौरान मैदान पर गिर पड़े थे। उन्हें मैदान पर ही तुरंत उपचार मुहैया कराया गया। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां वह कोमा में चले गए थे। मर्टेंस बेल्जियम की अंडर 21 टीम से भी खेल चुके थे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।